1000 साथी, सभी को जय हरीच, सादर नमस्कार। साथियों, मेरे ग्रेट लीडर, मेरे ग्रेट अपलाइन चौधरी जुगल किशोर सर जी का मैं नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। उसके बाद हमारे ग्रेट लीडर जिनके रास्ते पे, जिनके बताए हुए मार्ग पे हम हरी चौल, हमारे ग्रेट लीडर संदीप सर, उनको चरण स्पर्श करता हूँ। हम सबों के महागुरुदेव डैशिंग लीडर हमारे आर के मनहर जी, उनको चरण वंदन करता हूँ और पूरे पांच पांडव की टीम को चरण वंदन करता हूँ। हम सबों के गॉड अपलाइन जोगी जोसेफ सर जी का चरण वंदन करता हूँ। और आज के इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के लिए एक ऐसे जबरदस्त लीडर आज होस्टिंग करेंगे, झारखंड की आन बान शान, और जिनको सुनते ही रग रग में एक्साइटमेंट आ जाता है, जिनको सुनने के लिए पूरी हाईरिस्क की टीम तरसती है। ऐसे झारखंड के डैशिंग लीडर, डायनेमिक लीडर, यंग लीडर आज की होस्टिंग करेंगे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर श्याम स्वामी सर। मिस्टर श्याम स्वामी सर झारखंड से आज की होस्टिंग करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि मिस्टर श्याम स्वामी सर आए और आज की होस्टिंग करें और आज की इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। ग्रेट लीडर मिस्टर श्याम स्वामी सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू डीडी दीवान सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सर, बधाई हो आपको कि आप इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में सुबह सुबह आपको होस्टिंग करने का मौका मिला। बधाई हो सर, बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक्स हमारे ऑल कमांडो कोबरा लीडर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज का सुबह का पहला किरण मुबारक हो, क्योंकि कुछ लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव में घटना घटा होगा कि दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। बधाई हो, गॉड को थैंक्स बोलिए, आंख को नमन करके, आंख बंद करके, गॉड कोटि कोटि थैंक्स जिन्होंने मुझे आप एक नया जिंदगी आज फिर से दी है। हमारे कहा हूं, कई लीडर को बोल लगता होगा कि सर एशिया महादेश का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि सर हमारे एशिया महादेश भारत का एक अखंड, राइट, अखंड भारत का एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब पार्टनर थे, लेकिन कुछ घटना की वजह से वो अलग हो गए। इसलिए हमारे महागुरुदेव जो है कुछ ही महीनों में या कुछ ही साल में एशिया महादेश में वो साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और उसका पाइपलाइन बिछा चुके हैं सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ श्याम सिंह फ्रॉम रांची झारखंड। आज का ये सेशन में सभी को आपका स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसा ट्रेनिंग, एक ऐसा हम लोग आज सेशन को रीड करने वाले हैं जिसकी वजह से आज कई लोग का आज ब्रेन जो है ना वो हिलने वाला है सर। कई लोग का जो ब्लड का सर्कुलेशन जो बैठ गया ना वो सर दम पूरा रफ्तार पकड़ने है। लोगों को जिनको लगता है यार नहीं 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 मैं तो सब कुछ हूं, तुम तो कुछ नहीं हो, अभी भी इस वक्त है, युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध करोगे तो घाटा पांडव को भी है, कौरव को भी है। दुर्योधन मंद बुद्धि था, जट था। आप सभी को पता है कि दुर्योधन का अपलाइन कोई नहीं था, और जिसके जीवन में अपलाइन नहीं होता है उसका हालत क्या होता है, आप अंतगत्वा क्या हुआ सर, दुर्योधन इस धरती को नहीं इस पूरे ब्रह्मांड का एक अभिशाप बन चुका है। आज तक धरती में किसी का नाम नहीं सुनेंगे दुर्योधन, लेकिन करोड़ों लोग का नाम सुनेंगे कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण इनके अपलायन थे, अर्जुन का अपलायन थे, और दुर्योधन किसी का वो बात नहीं सुनते। तो हम लोग का ब्रेन जो है ना वो बी पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जो हम सभी लोग जानते हैं, वो है सर लीडरशिप। लीडरशिप किसे कहते हैं?
हम लोग बड़े बड़े बुक पढ़ते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल का सीडी सुनते हैं, कहीं ना कहीं सर हम लोग जब इस टॉपिक को जब पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो सर हमें अपने आप को अपडेट करने का एक और मौका देता है कि हमें अब एक और अपडेट करना चाहिए। जिस तरह से हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल है 15,000, 20,000, 35,000, 50,000 का, जो अपने आप को सर 3 महीने के बाद अपडेट मांगता है आपको, उसी तरह से लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है कि हमें सर हमेशा अपडेट करने का मौका देता है। और जो इंसान अपने आप को अपडेट नहीं करता है और जो मोबाइल को आप अपडेट नहीं करते हो, उस मोबाइल का क्या हालत होता है आप सभी को पता है। सर हैंग करने लगता है, हालत ऐसा हो जाता है कि वो मोबाइल को अंतिम सर गुस्सा का आ जाता है, पटकना कई बार पड़ता है, कई बार तो फेंकने का मन कर देता है सर। कई बार अच्छा मोबाइल होने के बाद भी जो कुछ नहीं, स्क्रीन भी सही है, चार्जिंग भी सही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा हैंग होने की वजह से सर हमें अपने आप को लगता है कि यार इसको चेंज कर देना चाहिए, बहुत परेशान हो गया उससे। सोचो सर एक छोटा सा मोबाइल, राइट, एक छोटे से मोबाइल से आप इतने दुखी हो जाते हो। सोचो सर कि अगर आपका लीडरशिप में ही अगर हैंगिंग का प्रॉब्लम हो गया तो आपका डाउनलाइन क्या करेंगे सर, क्या होगा फिर? फिर उनको लगेगा यार किसी तरह इसको जल्दी छोड़ो, जल्दी इसको छोड़ो, राइट। तो आज हम लोग डीपली बात करेंगे कि आखिरकार लीडरशिप में पावर क्या होता है, लीडरशिप किसे कहते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लीडरशिप का। हमारे स्वामी विवेकानंद जी 1800 ईस्वी में बोले थे कि उठो, जागो, रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये कब बोले थे? ये 1800 ईस्वी बोले थे। और मैं बताऊंगा दोस्तों, युवा जितने भी हमारे देश में है, सभी के प्रेरणादायक और सभी के मार्गदर्शक हमारे स्वामी विवेकानंद जी एक 39 साल के एज में धरती को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनका ये लैंग्वेज, ये जो वर्ड निकाले थे, उठो, जागो, रुको मत, लक्ष्य की प्राप्ति करो, राइट। तो दोस्तों ये लैंग्वेज इसलिए वो निकाले थे क्योंकि 1800 ईस्वी में हमारा देश गुलाम था और उस समय इन्होंने ही शंखनाद किया था। इसीलिए हमारे स्वामी विवेकानंद जी को आज एक लीडर की नजर से देखा जाता है। लीडर किसे कहते हैं? लीडर उसे कहते हैं जो अपनी कमी को दूर हमेशा करते जाए। लीडर किसे कहते हैं? जिनको सहन शक्ति हो। लीडर किसे कहते हैं? लीडर उसे कहते हैं कि दूसरों को मार्गदर्शन दे और अपना मार्गदर्शक खुद बने। लीडरशिप, लीडर किसे कहते हैं? कोटि कोटि चरण वंदनीय। जब भी उनसे बात करो, जब जब बात करो सर, तब तक उनके मुखार बिंदु से एक बुलंद आवाज निकलता है। क्या उनके जीवन दुखी नहीं होगा? हमारे महागुरुदेव राजकुमार मनर सर, मुझे एक दिन याद आ रहा है कि मैं जब गया था रायपुर 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर में जब वहां पहुंचा सर का हेड ऑफिस रायपुरा में, तो आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, सर का हमारे बहुत ही लाडली बेटी का, सर के लाडली बेटी का, हम सभी की बेटी है वो, है ना, उनके उनकी तबीयत खराब हो गई थी और सर हॉस्पिटल में थे, फिर भी सर जो है ना एकदम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सर जो है एकदम बी पॉजिटिव है। इसे कहते हैं सर लीडरशिप, दैट इज ए लीडरशिप। लीडरशिप का हमें इनसे परिभाषा सीखना चाहिए, राइट। कई लोग के घर में अगर छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो वो सर ऐसे साइलेंट हो जाते हैं जैसे लगता है कितने बड़े हादसा हो गया सर। यस, मैं समझ सकता हूँ हर इंसान के जीवन में एक छोटी सी घटना दशा और दिशा बदल देता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई घटना आपके जीवन में घट रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला कुछ विशेष मर्जी है कि आपको और मजबूत करने का ताकत दे रही है। हमारे इस देश के एक धरोहर खो दिए, सिंगिंग के किंग जिनका नाम था माँ लता मंगेशकर, वो चले गए दुनिया छोड़ करके, पूरा दुनिया शॉक्ड में सर, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया अचानक था। लेकिन दोस्तों उनकी कर्मों की वजह से दुनिया बड़े बड़े महारथी उनके सामने झुक चुके हैं। यस, बड़े बड़े महारथी, देश के प्रधानमंत्री, देश के महानायक लोग उनके चरणों में झुक चुके हैं। जब वो जन्म लिए थे दोस्तों, उस समय उनके चरणों में कोई नहीं झुका था, कोई जानता भी नहीं था सर उनको, लेकिन उनकी जब अंतिम सैया निकला तो बड़े बड़े महारथी को सर धरती और आसमान को हिला दिए। ऐसे कर्म कर गए हमारे माँ लता मंगेशकर।
तो दोस्तों मेरा कहने मतलब यह है कि लीडरशिप का कार्य शैली भी बेहतर होना चाहिए। हमेशा अपने कार्य को एक पूजनीय मानिए। जैसा हमारे लता मंगेशकर माँ जो थे, वो सर जब भी गाना गाती थी ना तो चप्पल खोल के गाती थी। क्यों? मीडिया एक बार पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, बोले कि मेरे जो गाने हैं वो मेरी सरस्वती माँ है और मैं जब मेरे पूजनीय है तो मैं उस कार्य को जब करने जाती हूँ तो मेरा चप्पल खोलना सौभाग्य है। यस, वो 30,000 गाना गाए और 30,000 में आए तक वो कभी भी स्लीपर भी नहीं पहने सर। हमें ये संस्कार वाले लीडर बनना चाहिए सर। कई लीडर क्या होते हैं 5,000 का पेआउट कमाने के चालू भी नहीं किया सर, कि सुबह और शाम उनके ऐसे ऐसे लैंग्वेज चालू हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो सर। ऐसे ऐसे उनके आदत आ जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो सर। ऐसे ऐसे उनके वर्ड चालू हो जाते हैं जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो। हमें हमेशा सर, हमेशा लीडरशिप का एकदम एक अच्छा मार्गदर्शन बनना चाहिए। आज आप देखिए, जब एक अच्छा लीडरशिप बनिएगा तो लोग आपको फॉलो करेंगे कि सर उनके जैसा बनिए। जैसे हमारे आज हम लोग बोलते हैं मना सर जैसा बनिए, रामनाथ पटेल सर जैसा बनिए, राहुल दिनकर सर बनिए, संदीप सर जैसा बनिए, राइट, नरेश नाग जैसे सर जैसा बनिए, हमारे गॉड अपने जो भी सर जैसा बनिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर वो उस लेवल में सफल हो चुके हैं और सफल हो रहे हैं लगातार। हमें उनके जैसा बनना है। जब कोई गाना का ख्वाब देखता है कोई लड़की तो बोलते हैं कि हम मुझे लता मंगेशकर जैसा, आपको लता मंगेशकर जैसा आवाज निकलता है। यस, हमें क्यों? क्योंकि हर इंसान सफल लोगों को कॉपी करता है सर। क्या आपका कॉपी आपके लोग करते हैं? अगर करते हैं तो बधाई, अगर नहीं करते तो सुधार तो करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अभी सुधार करेंगे तो हमारे महागुरुदेव बोलते हैं, अभी सुधार करेंगे तो आपको लीडरशिप को कॉपी किया जाएगा और बाद में सुधार करेंगे तो आप लीडरशिप की कॉपी करेंगे। अब च्वाइस आपके ऊपर है दोस्तों कि आप किस चीज को चूज करना चाहते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं सर आप मुझे क्या सिखाओगे, मैं तो इस कंपनी में ये था जी। अरे सर जी, मैं भी सर दूसरी कंपनी में तुर्रम खान था, लेकिन इस कंपनी में सर महागुरुदेव सर ने कुछ भी नहीं, जीरो हूं। इसलिए सर अपने आप का महागुरुदेव सर के सामने कुछ भी मत सोचो, कुछ भी नहीं। हनुमान जी का ताकत वो था सर कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता माँ को उठा करके इस पार से उस पार कर सकते थे, राइट। जब सीता माँ को हरण हुआ, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सर, हमें सीखना चाहिए। लोग बोलते होंगे श्याम जी रामायण और गीता की बात उठाते हैं, सर इस धरती आसमान में अगर रामायण और गीता कुरान अगर हट जाए सर, बाइबल अगर हट जाए सर, तो हमारा और आपका जीवन सर दशा और दिशा सर एक जगह ठहर जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठहरा हुआ पानी रुका हुआ इंसान सड़ जाता है, सब में सड़ नहीं जाता सर, बदबू देने लगता है। यस, तो हम ये बताना चाह रहे थे दोस्तों कि हमारे माता सीता जी का जब हरण हो गया, रावण जी जब उनको लेके चले गए, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास इतने ताकत थे कि वो समुद्र के पानी को सुखा भी सकते थे और नहीं तो प्रभु हमारे हनुमान जी के कंधों पे आ करके वो सीता माँ को वापस लेके आ सकते। लेकिन उन्होंने मानव को एक शिक्षा देने की कोशिश किए कि अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आई तो उसका रास्ता बनाना चाहिए। उन्होंने समुद्र के बीच में एक रास्ता बनाया और रास्ता बना के सर उस रास्ते से रावण के लंका पे गए और वहां जाकर के हमें धर्म का, संस्कृति का, संस्कार का, हमें सब चीज ज्ञान का अर्जित करने के लिए हमें ज्ञान दिए और उन्हीं के पद चिन्हों पे आज पूरी दुनिया चल रही है। कई लोगों को लगता है कि सर हम तो बहुत अच्छे लीडर हैं सर जी, हमें आप मत सिखाओ जी, ये है जी, वो है जी, दी से दी। देखो सर, लीडरशिप किसे कहते हैं कि और सीखना आज हम लोग। राम और रावण में दोनों में सर क्या अंतर था? राम से ताकतवर रावण था, राम से ज्यादा सैनिक रावण के पास, राम से ज्यादा ज्ञानवान रावण था। क्योंकि आपको पता होगा कि समुद्र के इस किनारे जब भगवान श्री रामचंद्र जी शिव भगवान का पूजा कर रहे थे तो पूजा करने के लिए रावण को ही बुलाया गया। आप लोग पढ़े होंगे, मालूम होगा सर, राइट। उस समय भी राम जी उनको ठोक सकते थे लेकिन नहीं ठोके सर, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको कि युद्ध का एक जो नियम कानून है उस पे उनका मजाक उड़ जाता। आज उनको राम नहीं बोलते, कुछ और उनका नाम रख देते, राइट। तो अब क्या है सर कि जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पूजा कराने के लिए उनको बुलाए थे, उस समय कर सकते थे लेकिन नहीं किए।
तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं रावण जो है राम से हर चीज में, राजनीति में रावण सबसे आगे था, हमारे शिव भगवान को खुश किए हुए था, तभी तो सर देखो उठा के लेके जा रहा था, वो शिव शिवलिंग उठा के लेके जा रहा था, शिव जी दिमाग लड़ाए कि ये भाई साहब उठा के लेके चल देगा तो कहानी हो जाएगा, स्वर्ग का सीढ़ी लगाने का उसको सर एकदम ताकत मिल चुका, स्वर्ग में सीढ़ी लगाने के लिए, राइट। रावण के पास इतने पावर थे दोस्तों, रावण के पास इतने पावर थे, राइट। रावण हर चीज में आगे था, हर चीज में, ताकत में, राजनीति में, टीम में, धन में, दौलत में, हर चीज में दोस्तों। लेकिन राम और रावण में एक चीज का अंतर था दोस्तों, राम चरित्रवान थे, रावण चरित्रहीन था। हमें अपने आप को चरित्रवान बनाना है और वैसे लीडर बन के दिखाना है जिस तरह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी एक लीडरशिप की भांति अपने आप को दिखाएं दोस्तों। यस, हमारे स्वामी विवेकानंद जी से जैसा सीखना चाहिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से जैसा सीखना चाहिए, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा सीखना चाहिए, हमें सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा, हमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति उनके जैसा सीखना चाहिए, और फिर देखिए दोस्तों हमारा जीवन कितना बदल सकता है, राइट। तो लीडरशिप में दोस्तों काफी कुछ टॉपिक है, मेन मेन टॉपिक जो है था वो मैंने आप लोग बताया। अब हम दोस्तों जानते हैं एक वैल्यू कि किसी भी चीज का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग को लगता है कह रहे जी ये तो मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो ये हूं जी, मैं तो वो हूं जी। दोस्तों अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं आप जब सुनेंगे समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाह क्या शानदार ये हमें सेशन मिला, क्या हमें शानदार ये नॉलेज मिला। इस नॉलेज की वजह से हम आज तक जाने अनजाने में ना जाने क्या क्या हम कर रहे थे। कई लोगों को सवाल आता है सर जी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता है जी, कई लोगों को लगता है कि अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता है जी। सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि अपलाइन अगर सपोर्ट आपको नहीं कर रहा है तो ये सर आपको गलत बात है। अपलाइन किस तरीके से, किस नजरिए से, किस परिस्थिति में, किस समय आपको वो आशीर्वाद दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। एक छोटे से कहानी मुझे याद आ रही है, अर्जुन जब युद्ध के समय अग्नि समाधि का शपथ ले लिए थे, राइट, और जयद्रथ को बोले थे कि कल का शाम से ढलने से पहले, सूर्य के ढलने से पहले अगर तुझे मैं नहीं मारूं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। युद्ध चालू हुआ दूसरे दिन, लड़ते 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 समय कब बीत गया, ऐसा शाम कब हो गया पता भी नहीं चला, लेकिन सारथी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे। बोले प्रभु ये तो शाम हो गया। बोले क्यों चिंता करते हो, तुझे कर्म करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण जी तुरंत सुदर्शन चक्र निकाले और कुछ सेकंड के अंदर शाम हो रहा था वो तुरंत सब कुछ घंटे बढ़ा दिए उजाले की ओर। जयद्रथ भी चौंक गया, ये क्या हो गया, उजाला अचानक कैसे आ गया, शाम तो ढल रहा था, युद्ध समापन की ओर था, अभी शंख बजता युद्ध के समापन के लिए, लेकिन ये ऐसा हो गया। दोस्तों अर्जुन का संकल्प था और संकल्प के आगे भगवान हमेशा बोले हैं कि धरती आसमान पाताल यहां तक कि तीनों दिशाओं का जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमको गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, उस सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं आपको सफलता को कदम चुमाने के लिए। इसीलिए अर्जुन ने फिर जयद्रथ को मारे। दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपलाइन कभी भी जीवन में आपको मरने नहीं देगा दोस्तों, हमेशा आपको कृष्ण के भांति आपको बचाएंगे और आपको अर्जुन की तरह विजय बनाएंगे। हमेशा अपलाइन पे एकदम अंधभक्त हो जाइए, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों। एक समय ऐसा भी आता है दोस्तों मुझे भी जीवन में कि मेरा पे आउट पर एक रुपया भी नहीं बनता है किसी दिन, लेकिन कभी भी मैं अपलाइन को कभी भी जीवन में रोते बात नहीं किया हूं, जीवन में हमेशा हंसते बात किया हूं। क्योंकि दोस्तों अगर अपलाइन नहीं होता तो शायद आज हैरिस के बारे में आप नाम नहीं जानते। ठीक है उनके दबाव में, अभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में, किसी भी कारण से आप उनके टीम में आ गए सर, अगर आपको सर 200 रुपए भी इनकम हुआ ना सर तो उनकी अपलाइन की वजह से हुआ। इसलिए अपलाइन को सर हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए।
कई लोग अपलाइन को ऐसे नौकर समझ जाते हैं जैसे लगता है उनके पिताजी के बंटवारे में उनको सर डोनेट करके आए हैं। नहीं सर, अपलायन सर बाप होता है सर, और बाप को हमेशा बाप की जैसा एकदम ताकत, उनको सम्मान कीजिए। अगर नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, एकदम लिख के ले लीजिए। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको सर फल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप सर, अगर आप नीम का बीज बोएंगे तो कड़वा ही नजर आएगा, अगर आप आम का बीज बोएंगे तो सर खटास नजर आएगा। अगर आप सर, अगर आप मधु का छत्ता को छेड़ेंगे नहीं तो दोस्तों आपको मिठास ही निकल कर आएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा जीवन में कई लोग जाने अनजाने में अपलाइन को लगता है यार यार ये मुझे क्या सिखाएगा, ये तो अंगूठा छाप है जी, अरे ये मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो पीएचडी होल्डर हूँ जी। सर जी, वो जो पीएचडी होल्डर है ना, वो अपने आप रख दो एकदम तखाने में, उसका कुछ नहीं चलेगा सर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो अपलायन आपका ऊपर बैठा हुआ है ना सर, वो कुछ ना कुछ तो गुण अच्छा होगा, तभी तो भगवान उसको आपको सीनियर बनाया है। इसे सर कभी भी जीवन में जाने अनजाने में अपलायन को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो सर आपका रिस्पेक्ट कब खत्म हो जाएगा, दुनिया आपको जानेगा नहीं कि फलाना कौन है, श्याम स्वामी कौन है, कोई नहीं जानेगा सर। अगर मैं महागुरुदेव राजकुमार सर को डिसरिस्पेक्ट करता हूं तो यस, और आप लोग देखे होंगे कई लोग जब डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो इस जूम पैनल में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे लगता है था ही नहीं वो, और अपने टीम में भी उनको कोई पूछता नहीं है। इसलिए दोस्तों हमेशा जीवन में हमेशा हमेशा एकदम कसम खा लीजिए आज कि जाने अनजाने में ही सही अपलाइन को रिस्पेक्ट करना। सपोर्ट तो सर हम अपलाइन हमेशा करते हैं सर, अगर मैं जूम मीटिंग अभी ले रहा हूँ ध्यान से समझने का प्रयास करना, तो क्या मैं सिर्फ अपने लिए ले रहा हूँ, क्या हमारे मनहर सर के लिए ले रहा हूँ? नो, मैं अपनी टीम के लिए भी ले रहा हूँ सर, मैं अपने टीम के लिए ले रहा हूँ। अगर नूर मोहम्मद जी आज ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर वो अपने टीम के लिए भी ले रहे हैं। अगर डीडी दीवान सर आज होस्टिंग कर रहे हैं तो अपने टीम के लिए भी कर रहे हैं। अगर आज कोई बंदा गेस्ट स्पीकर आज 2 मिनट के लिए बोलेंगे तो अपने टीम के लिए भी बोल रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए। कई लोग लगता है सर जी मेरा तो नाम नहीं लिया सर जी, अरे सर जी कोई बात नहीं, जिसका अच्छा काम होता है उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसका नाम असही बन जाता है। यस, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। तो ऐसा कर्म कीजिए दोस्तों जिससे दुनिया आपको सल्यूट करे। क्या हम लोग ये सब सीखने चालू किए हैं? अच्छा ये मुझे बताइए, जिस समय आप इस इंडस्ट्री को समझे थे क्या उस समय कभी भी आप सोचे थे कि अपलाइन को हम ये इस तरह से उस तरह से बोलेंगे, कभी सोचे थे सर? आज फिर क्यों करने लगे सर? क्या आप ज्यादा बुद्धिमानी हो गए हैं? सर गलत सेलिंग की ओर मत जाइए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। ये इंडस्ट्री इतना अच्छा है सर, इतना अच्छा है कि इस इंडस्ट्री में सर एक अंगूठा छाप सर सेलिब्रिटी बन जाता है, अंगूठा छाप। इस इंडस्ट्री में सर आईएएस ऑफिसर जो पढ़ के आता ना सर, उसको जितना इज्जत नहीं होता है जितना अंगूठा छाप की इज्जत होता है, क्योंकि उसको लगता है मैं तो आईएएस पढ़ के आया हूँ जी, ये मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालता हूँ, राइट। दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर लगता है मैं हूं जो कोई नहीं, तो सर फिर आपको एक लैंग्वेज और बोल देना चाहिए, अपने आप को बोलना चाहिए कि अगर मैं ये हूं तो अपनी वजह से हूं। क्योंकि दोस्तों अपलाइन को तो कई लोग हैं जो ढूंढ लेंगे, अपलाइन से सपोर्ट चाहिए तो झुक के लीजिए, हमेशा झुकिए, नहीं झुकेंगे सर कहानी हो जाएगा सर, और किसका कहानी होगा सर? आपका कहानी होगा। इसलिए अपलाइन को अपने पिताजी का कोई बंटवारा का हिस्सा मत समझिए, अपलाइन को पिता बनाइए, राइट। आइए दोस्तों एक और बात करते हैं, कई लोगों का एक आदत रहता है कि सर 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 आप तो सही बोल रहे हैं लेकिन मैं क्या बोलूं, शाम को फोन लगाता हूं तो अपलाइन गलत लैंग्वेज बात करती है जी। सर जी आज हम और आप दोनों सीखेंगे कि अपलाइन पिता कैसे होता है, राइट। अपलाइन पिता की तरह सोचते हैं इस इंडस्ट्री में, यस। एक आप भी पिता होंगे ना, कई लोग यहाँ पिता होंगे, कई लोग यहाँ चाचा होंगे, कई लोग मौसा होंगे, कई लोग मामू होंगे, कभी सोचेंगे कि आपका भगना आपका भतीजा आपके बेटे को कुछ घटना हो जाए? कोई सोचेगा सर? कभी नहीं सोचेगा। सेम सर जिस तरह से अपने आप जीवन में अपने फैमिली के लिए नहीं सोचते हैं, उसी तरीके सर कभी नहीं चाहेगा
ये डॉलन मेरे साथ नहीं काम करे, मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कभी नहीं सोचेगा सर। वो हमेशा चाहेगा कि ये आगे बढ़े। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना, कभी भी अपलाइन को अपने, कई लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना, अगर मैं राजकुमार मानन सर की टीम में हूँ, मानन सर कुछ कमिटमेंट किए, अगर वो पूरा नहीं कर पाए जाने अनजाने में, तो मैं क्या करूंगा, रामदास पटेल सर का कॉल लगाऊंगा और इधर राहुल नेरकर सर का फोन लगाऊंगा, महागुरुदेव सर की नेगेटिविटी इधर पहुंचाऊंगा और वो भाई साहब उधर पहुंचाएंगे। सर दोनों को तो कुछ नहीं होगा, लिख के ले लेना, लेकिन सर घाटा मुझे होगा। जब मेरे महागुरुदेव को मालूम चलेगा जाने जाने में ये लीडर कन्फ्यूज के निकल गया है, वो लीडर सर उसी दिन आपको फोन करना बंद कर देगा। लिख के ले लो सर, लिख के ले लो आज। कभी भी जीवन में कोई भी नेगेटिविटी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ क्रॉस लाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक हमेशा मैं ध्यान रखना, हमारे राम अस्पताल सर बोलते हैं मैं क्रॉस लाइन ये सब नहीं मानता हूँ, सही सर बोलते हैं, क्योंकि सर के अंदर वो विचार ही नहीं है, दूर दूर तक विचार नहीं है उनका, ऐसा विचार है सर कि जिस तरह से आसमान स्वच्छ एकदम साफ दिखता है, सेम उसी तरह उनका सर दिल और मन का कर्म एकदम साफ है सर। लेकिन इनके जैसा बनना आसान है क्या? अगर इनके जैसा बनना रहता तो कई लोग तो भीष्म पितामह नाम होना चाहिए, हो सकता था ना। इन्हीं का नाम भीष्म पितामह क्यों है? क्योंकि ये सबको सबको विजय भवा का आशीर्वाद दिए, विजय भवा हर कोई का आशीर्वाद दे रहे हैं, राइट। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, आप कभी भी आप क्रॉस लाइन करते हैं, कई लोग बोलते हैं सर क्रॉस लाइन क्या होता है? सर क्रॉस लाइन ये होता है कि एक टाइम में 6:55 में रांची प्लेटफॉर्म पे है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हटिया अति ये आपका दिल्ली का ट्रेन आने वाली है 6:55 में जी सुबह में, और उसी टाइम में कलकत्ता भी पहुंच जाता है अगर, तो क्या होगा सर? सोच लो सर, एक्सीडेंट होगा ना। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टक्कर हो गई, क्यों? क्योंकि सर वो अपने रास्ते नहीं जा रहा था, दूसरे के रास्ते में आ गया, टांग अड़ा दिया, तो घाटे दोनों को हुआ ना सर। आप कभी भी जीवन में अगर क्रॉस लाइन करते हैं, इधर का नेगेटिव उधर पहुंचाते हैं, उधर का नेगेटिव इधर पहुंचाते हैं, घाटा ब्लाइंड को नहीं होगा, घाटा सबसे पहले आपको होगा, आपका चेक जीरो हो जाएगा बड़ा सा। लिख के ले लो सर, ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े सेमिनार को अटेंड किया सर, 20,000 का टिकट कटा के ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में, और बड़े बड़े महारथी से मैं मिला हूँ सर। लेकिन वो महारथी से मिलने के बाद अपना जो ज्ञान है ना, अपने महागुरुदेव के चरणों में सर समर्पित कर दिए। मैं बोला सर आप मुझे ज्ञान सिखाए सर, क्या सीखना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा? आज भी मैं राजकुमार सर पास फोन लगाता हूँ, कभी भी मैं बोलता हूँ महागुरुदेव का मैं कुछ बोलता ही नहीं, कभी नहीं बोलता हूँ सर ये सर आप नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कभी भी रोता नहीं हूँ, हमेशा हंसते रहता हूँ, हमेशा हंसते रहता हूँ। किसी भी तकलीफ को अपलाइन को बताने का तरीका सीखे सर, और इस तरीका कब सीखेंगे? जब बुक पढ़ेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज सर 5वां महीना कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का स्थापना करते हुए मेरा हो गया सर, हमारे महागुरुदेव सर के आशीर्वाद से, हम सभी लोग के आशीर्वाद से। लेकिन दोस्तों कई लोग आज भी सवाल जवाब बुक नहीं पकड़े होंगे, कई लोग परचेजिंग नहीं किए होंगे, और लिख लो सर, जब तक आप बुक का ज्ञान नहीं अर्जित करोगे, तब तक आपका सर इनकम अर्जित नहीं होगा, तब तक आपका टीम अर्जित नहीं होगा। और ज्ञान हमारे जीवन में धन से बड़ा होता है, हमेशा याद रखना सर। आपके पास धन नहीं है, आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है धन कमाने का, तो सर आप जंगल में लकड़ी बेच के पैसा कमा सकते हो। यस, अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो क्या पैसा कमाओगे सर, राइट। इसलिए हमेशा सर ज्ञान को बढ़ाइए, और अपलाइन को पिता की तरह मानिए। अपलाइन को कई लोगों को लगता नहीं, नहीं सर ये तो मेरा अपलाइन है जी, इनको तो मैं सर ले जाऊंगा 1-to-1 में। सर 1-to-1 ले जाना सर, क्यों नहीं जाएगा वो? लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप अपलाइन को, हमारे महागुरुदेव राजकुमार मानन सर जब ज्वाइन किया था सर, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं सर से एक ही चीज बोला, गुरुदेव आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए सर, आशीर्वाद देने के। सर जब मैं बुलाऊं गुरुदेव आ जाइएगा, बोले पक्का है जी। मैंने बोला कि महागुरुदेव सर को ऐसे तो नहीं बुलाऊंगा मैं। मैंने सर जब 10 अगस्त पर जब मैं ज्वाइन किया, तो हमारे डायमंड एक और लीडर है शैलेश कुमार वर्मा, हम लोगों ने सर एकदम ठान लिया था कि किसी भी हालत में हम लोग सर ऐसा काम करके दिखाना है कि महागुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए खुद ही खुद बोले कि सर मैं आने के लिए रेडी। सर 25 दिन में ऐसा काम करके दिखाया कि महागुरुदेव शिक्षा दिवस के दिन आशीर्वाद देने के लिए अपने शिष्य को पहुंच गए रायपुर छत्तीसगढ़ से रांची की ओर।
यस दोस्तों, और उस दिन इतना कूट कूट का आशीर्वाद दिए, इतना कूट कूट का आशीर्वाद दिया हमारे महागुरुदेव कि आज सर श्याम स्वामी का एक डंका टाइगर टीम में और टीम ईगल इंटरनेशनल में सर बचता है। ये किसके आशीर्वाद से? महागुरुदेव सर के आशीर्वाद से। पूरा पीठ दम थपथपाए सर, जोर जोर से थपथपाए हमारे हमें। यस, जब भी आप लाइन से मिलो सर, चरण छू के प्रणाम करो, क्योंकि सर हमारे पिताजी बोलते हैं और हमारे संस्कार संस्कृति बोलता है कि अगर आप किसी गुरु के सामने झुक जाते हो, गुरु के सामने झुक जाते हो, तो सर आपका जितना भी ईगो है, जितना भी द्वेष है, सब नीचे गिर जाता है। यस, अब बोलेंगे सर नहीं नहीं सही कैसे होगा, सर अपने सर पे मोबाइल रखो, मोबाइल रख करके थोड़ा सा आप सिर को झुकाओ, वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जिस तरह से सर मोबाइल गिर जाता है, उसी तरह से आपका ईगो सर के चरणों में गिर जाएगा, आपका सब चीज गिर जाएगा, आपका ईगो, आपका घमंड, आपका सब कुछ गिर जाएगा, और उनके आशीर्वाद लेके सर काम करना चालू करो, फिर देखो सर आपका ग्रोथ कैसे होगा। आप लोग कभी सोचे हैं? आप लोग कभी सोचे हैं मैं किसी भी कंपनी जाता हूँ, किसी भी कंपनी जाता हूँ, मैं क्यों खड़ा हो जाता हूँ सर? आज 10 साल से मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, क्यों खड़ा हो जाता हूँ किसी भी कंपनी जाता हूँ तो? क्योंकि सर मैं अपलायन को भगवान मानता हूँ, हमेशा किसी भी कंपनी में क्या हूँ, आज तक अपलायन को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं किया हूँ, गलती से भी नहीं, जाने अनजाने में भी नहीं सर। यस, हमेशा मैं अपलायन को बाप माना हूँ दोस्तों, हमेशा माना हूँ और आज भी मानता हूँ सर, क्योंकि मुझे मालूम है अपलायन का वैल्यू क्या होता है। क्योंकि सर मैं कोई चना मूंगफली वाली कंपनी छोड़कर नहीं आया था सर, 7 साल किसी एक अच्छे ब्रांड वाली कंपनी में आया था, जो पूरे नेटवर्किंग का संस्कृति सभ्यता संस्कार सिखाता है, उस कंपनी से श्याम निकला है सर, तब के निकला हूं, तब के मुझे पता है कि अपलायन का रिस्पेक्ट क्या होता है, बाप क्या होता है, मुझे पता है सर। लेकिन कई लोग लगा रहे जी ये क्या है, तो मेरे पड़ोसी में रामनाथ पटेल सर रहते हैं, इनको क्या इज्जत करना, ये तो राजकुमार जी तो यहीं रहते हैं सोपी में, मैं तो चले जाता हूँ 2 लोग अपॉइंटमेंट करके। सर मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जैसा अपलायन को एडिफिकेशन करेंगे, डाउनलाइन आपका वही वैसा ही आपको भी एडिफिकेशन करेगा, इसलिए हमेशा एडिफिकेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप देखते हैं सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने हाईलाइट क्यों है? क्योंकि सारे बीजेपी वाले हाईलाइट करते हैं। यस, अगर आज वो हाईलाइट करना बंद कर दे तो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में सर कोई स्टार प्रचारक नहीं रहा। हमेशा ध्यान देना सर, स्टार आपके अपलायन है, उसको अच्छा तरह प्रचार कीजिए, ऐसा प्रचार कीजिए कि जब उनका एंट्री होना तो बिना बोले चेयर पर सब खड़ा हो जाए, ऐसा रिस्पेक्ट कीजिए सर, ऐसा एकदम आप एकदम डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, और फिर देखिए दोस्तों आपको लोग कैसे सल्यूट करते हैं। यस, इसलिए आय से कसम खा लीजिए कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैं मानता हूँ आप सर आईएएस ऑफिसर होंगे, आपके पिताजी अंगूठा छाप होंगे, तो क्या आप बाप पैदा कर सकते हो क्या? हेलो, कर सकते हो क्या? नहीं, आप बेटा ही पैदा कर सकते हो। इसलिए सर हमेशा अपलायन को जाने जाने में कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करना। क्या ये लोग लगता रही सर जी वो तो मेरा नौकर है? अरे सर प्लीज 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 प्लीज, हनुमान को पावर वो था कि राम को उड़ा के लेके जा सकते थे, लेकिन फिर भी हनुमान राम जी के चरणों में रहते थे। और आप भी कई जगह मंदिर जाके देखिए, मंदिर में आपको हमेशा मिलेंगे चरणों में, इसलिए हमेशा अपलायन के चरणों में रहिए। यस, अगर चरणों में रहेंगे तो राम के बाद सबसे ज्यादा पूजा होता है तो हनुमान का होता है, और हनुमान के मंदिर में क्या लिखा रहता है? राम, राम के मंदिर में हमेशा हनुमान को आपको मिलेंगे। यस, कैसे? क्योंकि राम जी अपने भी से बढ़ के उनको प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से बढ़ के उनको प्यार करते हैं, अपने लक्ष्मण जी से बढ़ के उनको प्यार करते हैं। यस, इसलिए उनको हनुमान को भगवान का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों सोचिए दोस्तों कि एक हनुमान जी जब गए तो सोचे भी नहीं थे कि हमको इतना आदरणीय होगा, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की वजह से उनको सर आज पूरे दुनिया में उनको पूजनीय मान। यस, ऐसा कर्म कीजिए दोस्तों कि जिस तरह से हनुमान एक शिष्य होकर के उनको पूजनीय किया जाता है, माना जाता है, सेम सर आपको भी। यस, हमें सीखना चाहिए सर, हमें सीखना चाहिए, नहीं सीखेंगे सर कुछ नहीं होगा दोस्तों, सब कुछ साम्राज्य खत्म हो जाएगा, बना बनाया सब चीज मिट सकता है सर। आइए दोस्तों एक और बात करते हैं, एक और टॉपिक पे आखिरी में, और जब इस टॉपिक को हम लोग जब आखिरी में बात करेंगे दोस्तों तो हमें कई चीजें सीखने को मौका मिलेगा, और जब सीखेंगे तभी सर हम लोग जीतेंगे, क्योंकि बिना सीखे हम जीत नहीं सकते हैं, और जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। राइट,
यस दोस्तों, हम लोगों को जीवन में कई घटनाएं ऐसे घटते हैं जब हमें लगता है किसी समय कि आज के आज ये सिस्टम को क्यूट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अपलाइन के बारे में बताएं, डाउनलाइन क्या हो, कैसा होना चाहिए? डाउनलाइन हमेशा, अब डाउनलाइन है तो कई लोग नहीं समझेंगे कि सर बहुत मैं नीचे हूं। नो, डाउनलाइन का मतलब होता है सर, डाउनलाइन ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से पानी में चीनी मिलाया जाता है तो मिठास देता है, सेम उसी तरह से डाउनलाइन होना चाहिए कि जब आपसे कोई अपलाइन बात करे तो लगे कि यार क्या मेरा डाउनलाइन मिला, क्या मेरा बिजनेस पार्टनर मिला दोस्तों। अरे वाह वाह, मजा आ गया सर। अभी हमारे रामनाथ पटेल सर, हमारे भीष्म पितामह हैं, और हमारे राहुल नेरकर सर, नरेश नाग सर, हमारे संदीप सर, हमारे किनके डाउनलाइन है? हमारे राजकुमार मन्ना सर के। लेकिन कभी भी इनके इनकी पांचों लोग एक्टिविटी से लगता है इन लोग डाउनलाइन है, लगता है एक दूसरे का अपलाइन, ऐसा लगता है सर। कैसे? क्योंकि ऐसा ये कर्म करते हैं, कभी भी इनका शिकवा शिकायत नहीं सुनेंगे, इधर काना फूसकी, उधर कभी भी नहीं। डाउनलाइन कैसा होना चाहिए? डाउनलाइन हमारे संदीप सर जैसा होना चाहिए। डाउनलाइन कैसा होना चाहिए? राहुल नेरकर जैसा होना चाहिए। डाउनलाइन कैसा होना चाहिए? नरेश नाग सर जैसा होना चाहिए। निर्मल निराला सर जैसा होना चाहिए। राजीव रंजन सर जैसा होना चाहिए। गौरव किसी जैसा होना चाहिए। डाउनलाइन कैसा होना चाहिए? हमारे अपने एक अच्छे अच्छे लीडर का कॉपी करना चाहिए सर। कई लोगों को लगता है सर 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 हमें तो अपलाइन का पेआउट देखना है जी। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अभी एक घटना बता रहा हूँ। हमें एक टीम से कॉल आया कि एक ऐसे लीडर है जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है सर। वो कहते हैं सर आपका पेआउट कितना बना, थोड़ा स्क्रीन शॉट भेज दो जी। सर सर आपका उस साइड में कितना बिजनेस गिरा सर, प्लीज सर भेज दो ना जी। अरे सर ये मुझे बता दो, आप इतना इंक्वायरी क्यों करते हो? नहीं नहीं सर, उनका दो दो आईडी में पेमेंट बन रहा है सर, आप उनसे आईडी पासवर्ड मांगो। पांच आईडी में काम कर रहे हैं सर, आईडी पासवर्ड। अरे सर जी, अगर आपके अपलायन के अंदर वो कुब्बत है तभी तो पांच आईडी पैसा उठा रहा है। राजकुमार मन्ना सर चार आईडी में सीलिंग अचीवर गए, जितने भी हमारे कोच है सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे महागुरुदेव सर के, जितने भी कोच है सभी लोग प्लीज। हमारे महागुरुदेव राजकुमार मनहर सर चार आईडी में सीलिंग अचीवर गए, तो उनके अंदर दम था आठ लेख चलाने का, तब ना चार सीलिंग अचीवर गए सर। आपके अंदर दम है तभी सर पांच आईडी में सीलिंग अचीवर जाइए, कौन मना कर रहा है आपको? नहीं नहीं सर, वो तो सर ऐसा था सर, वैसा था सर, हमें तो वो सर ये लेग देने के लिए मेंटेन किए थे, ये लेग देने का कमिटमेंट किए थे। मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास करना। मान चलो सर, मान के चलो कि आपके अपलाइन पावर देने के लिए बात, ध्यान से सुनने का प्रयास करना। चलो मान गए पावर देने के लिए बात की, आप मान भी गए, चलो सर एक लेग पावर मिलेगा। जाने अनजाने में किसी दिन अपलाइन का डेथ हो जाता है, अब बताओ क्या करोगे? अब क्या करोगे? क्या इस इंडस्ट्री को छोड़ दोगे या टीम को छोड़ दोगी? सर मैं हमेशा बोलता हूं, पावर अपने पास होना चाहिए, असली पावर अपने अंदर होना चाहिए सर। जब अपने अंदर होता है ना, तो बड़े बड़े महारथी हिल जाते हैं। यस, अगर पावर की बात करते हो सर, हमें सीखना चाहिए राजकुमार मनहर सर जैसा, हमें सीखना चाहिए मनहर सर जैसा कि उनके शिवम गिरी सर क्या दिया सर, आशीर्वाद भी नहीं देने के लिए आया अभी तक सर, तो आए थे चेहरा भी नहीं देखे महागुरुदेव सर, लेकिन ऐसा वो पावर बन गया कि एशिया महादेश में एक ही नाम राजकुमार मनहर, बाकी कोई नाम नहीं। और उनकी छत्र छाया में पंच पांडव का नाम उठता है, और उनके छत्र छाया में एक छोटा सा चीटी के बराबर श्याम स्वामी का नाम आता है। यस, हमें सर अपलाइन को ऐसा लगना चाहिए कि वाह 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 क्या। हमारे महागुरुदेव सर बोलते हैं भीष्म पितामह सर कि अपलाइन ऐसा कि डाउनलाइन की मन भाए, डाउनलाइन ऐसा कि अपलाइन की मन भाए। यस, हमें सर ऐसा अपने अंदर वो रखना चाहिए एटीट्यूड। कई लोगों को लगता नहीं नहीं सर जी आप तो कमिटमेंट किए सर, आपको तो देना ही पड़ेगा। सर जी मैं मानता हूं वो कमिटमेंट किए हैं, लेकिन अच्छा मुझे एक चीज बता दो, लेफ्ट साइड आपका अगर हाथ है तो राइट साइड के आपके पिताजी का है, राइट भी आप ही का है सर, राइट? इसलिए लेफ्ट राइट खुद आईडी लगाइए। आज मुझे, मैं बिलीव नहीं करोगे सर, जब से मैं कुशीनगर गोरखपुर गया हूं 9 सितंबर से मैं लेफ्ट राइट खुद चलाना चालू कर, खुद से सर। यस, क्योंकि
क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट एट मेरा खुद है। कई लोग लगता है नहीं सर उधर मैं एक एड भी नहीं लगाऊंगा जिधर अपलाइन पावर देने के बाद किया। सर जी नहीं लगाओगे तो घाटा किसे है? अपलाइन को तो चेक बनेगा सर। इतना मन में जो भ्रम रखे हो ना कि आपके जैसा अपलाइन का चेक हिल सकता नहीं हिलेगा सर, गलती से नहीं हिलेगा, एकदम नहीं हिलेगा सर, क्योंकि अपलाइन हमेशा अपने आप को बोला है कि उम्मीद सब पर करो, इंतजार किसी का मत करो। राजकुमार माना सर उम्मीद किए हुए हैं कि श्याम स्वामी सर आज पति साइड डालेंगे, उनको उम्मीद किए हुए हैं कि शैलेश कुमार वर्मा 15 डालेंगे, उन्हें उम्मीद है कि रांची टीम विक्ट्री के टीम से आज 50 ग्रीन होगा, उम्मीद किए हुए हैं, लेकिन इंतजार करके नहीं बैठे हैं सर कि वही करेंगे तभी होगा, कभी नहीं सर। आपका भी सर कभी भी जीवन में, कभी भी जीवन में अपलायन का उम्मीद कीजिए कि बिजनेस डालेंगे, इंतजार मत कीजिए सर जी। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो कमिटमेंट किए होंगे जाने अनजाने में, जाने अनजाने में क्या जान के ही किए होंगे मैं मानता हूं, लेकिन सर आप उनको गला मत पकड़िए अपलायन की, चरण पकड़ने का प्रयास। अब कई लोग बोलेंगे सर इतने बड़े बड़े बात बोल रहे हैं आप तो सर जी मुझे पावर भी नहीं दिए। कई लोगों को लग रहा होगा तो सर मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको एक लेग 50 का पावर दे दिए और दूसरे लेग में आपको एक मीटिंग एक सिटिंग कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या आप खड़ा हो जाओगे? अगर खड़ा हो जाते सर तो आपका उस लेग में आज 10 को सीलिंग अचीवर अभी भी कंटिन्यूअस रहना चाहिए था, अभी भी रहना चाहिए था। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सर वो अपलाइन की जो गुण है वो अभी नहीं है सर, अभी भी आपके अंदर ईगो है, वो द्वेष है, उसको हटाइए सर, अभी कभी हटाइए, लालच मत पड़िए। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे आप लोग सभी लोग, जिस समय इस इंडस्ट्री को आप और हम समझे थे, जिस समय इस इंडस्ट्री को हम लोग जाने थे, परखे थे, यहां से हमें भविष्य बन सकता है, यहां से हमारे जीवन दम कोरा कागज है, लेकिन यहाँ पे कहानी लिख सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं, भूगोल बदल सकते हैं, ऐसा जब फीलिंग हुआ था क्या उससे मन में ऐसा लगा था कि एक लेग पावर मिलना चाहिए? कभी लगा था सर? नहीं ना। आज क्यों जिद बांध लिए दम, जब तक सलाह मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर, ऐसा क्यों? क्यों गलत सेलिंग की ओर भाग रहे हैं आप? क्यों आप अपने जीवन को एकदम डस्टबिन बनाने के चक्कर में लेकर बड़े हुए हैं? क्यों सर? अरे एक अच्छा कंपनी मिला हरीच ऑनलाइन शॉपी, अभी जगह जगह पे शॉपी खुल रहा है सर, जगह जगह पे शॉपी खुल रहा है, राइट? खाली वहां टीम आपको खड़ा करना है सर, खाली टीम खड़ा करना है, और टीम खड़ा करते 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 आपका चेक सर कब 5,000 से 50,000 की ओर चल जाएगा पता भी नहीं चलेगा सर जी। इसलिए सर जी हमेशा 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 कोशिश ये करना है कि हमें अपलायन को रिस्पेक्ट करना है, हमेशा रिस्पेक्ट करने का चालू कीजिए सर। और डाउनलाइन आप हैं जरूर, मैं मानता हूं मैं राजकुमार सर का डाउनलाइन हूं, लेकिन सर डाउनलाइन ऐसा होना चाहिए कि अपलाइन का सिक्वा सिक्वा नहीं, आशीर्वाद दीजिए। डाउनलाइन को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है सर डाउनलाइन को, मैं भी खुद डाउनलाइन हूं, मैं भी डाउनलाइन हूं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां मुझे कमी लगता है मैं महागुरु सर को फोन लगाता हूं। यस डाउनलाइन क्या करेगा सर? जब 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 ध्यान से सुनने प्रयास कीजिएगा, जब बेटा बाप का चप्पल पहनने लायक हो जाता है ना सर, तो बेटा बेटा नहीं रहता, बेटा बाप का पार्टनर हो जाता है। सेम है सर, जब अपलाइन आप बन जाते हैं ना, तो आप अपलाइन होते हैं ना सर, वो आपके पार्टनर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों अंत में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हमें अपलाइन को बाप मानिए और डायलाइन को बेटा मानिए, दोनों को एकदम एक जैसा रखिए, ट्रेन का रफ्तार बहुत अच्छा चलेगा, मंजिल की ओर जरूर पहुंच जाएंगे। और अगर इस चक्कर में रहेंगे सर तो एक स्टेशन आपको उतार देगा, उस स्टेशन का नाम है गरीबपुर, और उस स्टेशन उतर के अपने बच्चे के साथ जिंदगी भर आपको गाली देगा और आप सर थू थू अपनी जिंदगी में करोगे, कुछ नहीं रहेगा इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को छोड़ दोगे, लिख के ले लो। अगर इस चक्कर में रहो तो इस कंपनी का नेक्स्ट कंपनी आपका लिखा हुआ है, और आप धमकी देते रह जाओगे कि देख लेना सर 2 के बाद मैं नए कंपनी जा रहा हूं। अपलाइन कभी नहीं रुकेगा ना, कभी थकेगा नहीं, कभी हारेगा नहीं, क्योंकि उसका सपना समुद्र के जैसा है सर, और उसका एक ही सपना है कि खुद ही का करो बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा पूछे बता तेरा राजा क्या है। राजकुमार मनहर सर हैरिच में साम्राज्य बनाने आए हैं,
इसलिए 3.5 लाख का टीम के राजकुमार हैं सर, आप भी बनो, आपको भी बधाई हो और आपके डाउनलाइन को बधाई हो, आज सीखें और तभी कल जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन हम डीडी दीवान सर को वेलकम करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम हमारे डीडी दीवान सर। थैंक यू, जय जय हरी, घर घर हरी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज ने लीडरशिप की क्वालिटी और हमको काम करना कैसे चाहिए, अप लाइन डाउन लाइन, ये सारी चीजें जी सर, यदि कोई भी जीतना चाहता है तो जीतने के लिए सीखना जरूरी है और इस सीखने की कड़ी में सारे लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब सीखना ही चाहते हैं सर। और आपका तो ऐसा है कोई जवाब नहीं है, आप जैसे सिखाते हैं तो रग रग में, मेरे आप फेवरेट हैं बिल्कुल, और रग रग में ऐसा जो सवार हो जाता है, जैसे आप बोलते हैं इतिहास नहीं भूगोल बदल देंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की ट्रेनिंग के लिए। और एक कदम आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आज का अनुभव शेयरिंग के लिए, एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए और कुछ मोटिवेशन के लिए हमारे ग्रेट लीडर इस पैनल पे बने हुए हैं, डायमंड सिद्धार्थ सर। सर प्लीज वेलकम सर, डायमंड सिद्धार्थ सर, आप आए सर और 2 मिनट में हमें कुछ ऐसा गुरु मंत्र दें ताकि हमारी स्पीड और बढ़ जाए। डायमंड सिद्धार्थ सर। थैंक यू डी दीवान सर, आपने मुझे इतने शानदार मंच पर बोलने का बेहतरीन मौका दिया सर। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज का एक शानदार पैनल में एक शानदार ग्रेट यूथ आइकॉन श्याम स्वामी जी का बहुत बेहतरीन लीडरशिप पर जो सब्जेक्ट था, उनमें से अपने आप को स्थापित करते हुए जो बेहतरीन तरीके से लीड करते हुए पूरे इंटर इंडिया में एक नाम कमा रहे, यूथ आइकॉन के लिए अग्रसर हो रहे, ऐसे जाबाज साथी को तहे दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही तरक्की करते रहे और रात दुगनी और चौगनी तरह से आप तरक्की की बुलंदियों को छूता रहे। आइए दोस्तों जानेंगे, हम 977 लोग हैं और 977 लोग वो लोग हैं जिनके सपने बड़े ही स्ट्रांग हैं, जिनके विजन बड़े ही शानदार है और सभी लोग करना चाहते हैं कुछ ऐसा कि उनकी एरिया के लोग भी करना चाहे उनके जैसा। दोस्तों इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप जब तक दिल और दिमाग से फील नहीं करोगे, विजुलाइज नहीं करोगे, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे। दोस्तों हर घर की जरूरतों को पूरा करते हुए 2 पैसे बचाकर जब 4 पैसे कमा के देने वाला प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ चुका है तो निसंदेह आप हैरान परेशान न होके अपना वाय क्लियर कीजिए। यस, अपना वाय क्लियर कीजिए, विजन को स्ट्रांग कीजिए और निकलिए दोस्तों, निकलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सपने हाथ में लेके चलिए, खुली आंखों से देखिए, तब आपका काम कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। हमें सीखना होगा हमारे शानदार ग्रेट अपॉर्चुनेटर आर के मनर सर, जिनकी एक डिसीजन की वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है, आ चुका है और आने वाला है। दोस्तों हमें कॉपी करना पड़ेगा इनके पदचिन्हों को, अगर इनका 50% नहीं अगर 10% भी अगर हमने कॉपीराइट करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो नो डाउट आने वाला दिन हमारा बहुत बेहतर से बेहतरीन होने में कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू डीडी दीवान सर, आपने मुझे लायक समझा, आपका साथी हम सफर, डायमंड फ्रॉम गोंदे महाराष्ट्र, लव यू ऑल, जय जय हरी, घर घर हरी, खोपड़ी खोपड़ी हरी, झोपड़ी झोपड़ी हरी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने वाई क्लियर करने की बात कही, बिल्कुल साथियों, वाई जब क्लियर रहेगा हम क्यों करेंगे, वजह क्लियर रहेगा तभी हम विजन और मिशन पे पहुंच सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। इसके बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग पे, गुरु मंत्र पे हमारे बीच बने हैं हमारे ग्रेट लीडर नूर मोहम्मद सर, कोहिनूर मोहम्मद सर बोला जाता है जिनको, जो हमेशा एकदम एक्साइटिंग और बेहतरीन मोटिवेट करते हैं, ऐसे मोटिवेटर ग्रेट लीडर नूर मोहम्मद सर जी, आप आए सर, आपको आमंत्रित किया जाता है सर, प्लीज आवाज आ रहा है सर, नूर मोहम्मद सर। ओके थैंक यू आवाज आ रहा है क्लियर सर? ओके सर यस कंटिन्यू सर जी। शायर कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद उतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे पता तेरी राजा क्या है। माय डियर फ्रेंड, आज आप सबों ने देखा कि हायरिक में लोगों ने अपनी तकदीर को
पलटियां करके रख दी है, खास करके हमारे महान गुरु जिनके बदौलत आज हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं, अमृत वर्मा सर, संदीप सर, नारायण शाह सर, सर के मनर सर, जोसेफ सर और ग्रेट ट्रेनर, जिससे मैं भी बहुत सीखता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में सर जब मैं ज्वाइन की थी तो श्याम स्वामी सर ही ट्रेनिंग ले रहे थे, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग। माय डियर फ्रेंड, याद रखना ये अपलाइन और डाउनलाइन का जो एक रिलेशनशिप सर ने बताया है, एक्चुअली में काम बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। जिसकी काम नहीं बढ़ रहा है, समझ लो आपके पास दो चीज की कमी है, या तो आपकी कॉन्टेक्ट सही से अपलाइन से नहीं है, या फिर आपकी कॉन्टेक्ट सही से डाउनलाइन से नहीं है। अगर आपकी कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप का ये बिजनेस है दोस्तों, अगर आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन जिसको हम लवलाइन बोलते हैं, अगर आपकी रिलेशन बढ़िया हो गया तो आप सक्सेस हो। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट ये चीज बताना चाहूंगा, चाहे आप कितने बड़े से बड़े लीडर हो, आपको तजुर्बा 10 साल 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग का क्यों ना हो, लेकिन हायरिस में जिस दिन से ज्वाइन किए हैं, आपकी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन या आपके गुरु जिसके साथ आप अपनी जिंदगी के सपनों को देखते हैं, अगर उसके साथ एक रिलेशन आपका बढ़िया हो गया ना, तो मैं तो एक चीज कहूंगा सर कि जीरो से हीरो एक अपलाइन आपको बना सकता है। मैं आपको फिर वर्ड दोहराना चाहूंगा कि आज सर ने डाउनलाइन और अपलाइन की बात की, तो जीरो से आपको हीरो बना सकता है सर, वो कोई और नहीं आपकी अपलाइन। आप अपलाइन की रिस्पत इसलिए किया करो कि याद रखना हर इंसान के ऊपर एक दो तीन ही अपलाइन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो पाती है। मानता हूं डाउनलाइन हजारों आएंगे सर, डाउनलाइन हजारों में से कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग काम नहीं करेंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ लोग चले भी जाएंगे, लेकिन अपलाइन आपके ऊपर एक दो तीन चार पांच ही है। और मैं तो थैंक्स अदा करना चाहूंगा कि आज नूर मोहम्मद खान के ऊपर पांच पांच अपलाइन का डायरेक्ट आशीर्वाद है। और लव लाइन में से जैसे कि मैं आपको एक अपलाइन की उसको मैं हमेशा हैसियत और जिंदगी भर देता रहूंगा, जो मुझे वक्त बे वक्त पे हमेशा मोटिवेट करते हैं, श्री रामनिवास पटेल सर। हम लोगों ने एक मिशन लिया था कि क्रॉस वर्ड जिंदगी से खत्म कर देंगे, और खत्म कर चुके हैं सर। और आज बेहतरीन तरीके से मैं भी अपने टीम को बिल्डअप कर पा रहा हूँ, और आप लोगों के दुआ से सर अच्छी खासी टीम है मेरी, 15,000 प्लस टीम, 4,00,000 के आसपास मेरी फैमिली आईडी मिला के इनकम हो चुकी है। और खुशी की बात यह है दोस्तों कि आई डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, डेली मैं चार्ज होता हूँ। इसलिए अपने एक एक लीडर से मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर सक्सेस हायरिंग में आर के मनर सर जैसा चाहते हैं, रामनिवास पटेल जैसा चाहते हैं, जोसेफ सर जैसा, या श्याम स्वामी, या मैन गुरु जी, या अजय जी, या कोई भी जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मैं नूर मोहम्मद खान की तरह भी अगर आप बनना चाहते हैं, तो एक मंत्र देकर के आपको मैं अपनी बातों को क्लोज करूंगा। वो कोई और मंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग ट्रेनिंग मीटिंग रेगुलर अटेंड कीजिए सर, आपको या आपके टीम को सुनने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जूम मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, बिल्कुल यदि जीतना चाहते हैं तो सीखना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। इसके बाद मीटिंग को और आगे बढ़ाते हुए हमारे ग्रेट लीडर मोहम्मद इलियास सर, प्लीज वेलकम सर। मोहम्मद इलियास जी, आपकी स्माइलिंग इतनी सुंदर है सर, जरा ही सही थोड़ा सा मिला हूँ आपसे मिलकर, एक एनर्जी भी आ जाती है। मोहम्मद इलियास सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। कटघोरा की आनमान शान लेडी दीवान सर, हमारे कटघोरा में कार्टन हाउस वाले रिलेशन भी है। थैंक यू सर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो श्याम सामू सर जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्रेट आपने नॉलेजमेंट दिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है साथियों, एक अच्छा गुरु बनने से पहले एक अच्छा शिष्य बनना। जितने भी यहाँ पे महागुरु है, कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी सीनियर के सानिध्य में एक अच्छा शिष्य बनने का जो भूमिका निभाया साथियों, आज वैसे ही अच्छे गुरु बन पाए। तो मैं सभी साथियों से एक विशेष रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम अपने अपलाइन के साथ में, जिसके साथ भी काम कर रहे हैं आप, उसके साथ एक्टिव अपलाइन के साथ एक अच्छा शिष्य का भूमिका निभाए साथियों। धीरे 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 वो गुरु जो एक्टिव अपलाइन है आपको अच्छा नॉलेजमेंट देंगे, जिससे आपका एक अच्छा शिष्य से अच्छा गुरु ऑटोमेटिक 3 से 6 महीने बन पाएंगे साथियों। और जैसा आपका गुरु आपको सिखा रहे हैं, वैसे सेम जो चीज आप सीखें साथियों, उससे भी कहीं ज्यादा अपने जूनियर को सिखाने के लिए दिन और रात एक कर दे साथियों। क्योंकि
जो साथी अपने जूनियर को जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको सिखाने में सफल हो पाएगा, जैसे नूर मोहम्मद जी ने बोले मीटिंग, नो मीटिंग नो करियर। जो आदमी मीटिंग नहीं अटेंड करता है उसका करियर इस लाइन में नेटवर्क इंडस्ट्रीज में बनेगा ही नहीं। इसलिए सभी साथी से विशेष रिक्वेस्ट है, जो भी साथी अभी है बन पाए, मीटिंग को गंभीरता से चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो अटेंड करें साथियों, डेली पब्लिक कैंडिडेट करें, सीनियर कैंडिडेट करें और मीटिंग अटेंड करें। देखना साथियों बहुत ही जल्द आपका भविष्य बनने की ओर लगातार बढ़ते जाएगा। थैंक यू सो मच सर, ज्यादा इस नेशनल पैनल में बोलने का अधिकार नहीं है, एक मिनट काफी है। थैंक यू सो मच और सभी महागुरु का बहुत बहुत धन्यवाद जो नेशनल पैनल में मुझको हमारे दीवान सर जी ने मौका दिए, और आप सभी का धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद हम सुनते हैं नारी शक्ति। एक नारी शक्ति को हमारे ग्रेट लेडी हैं, कैलकटा से हैं, नमिता दास मैडम। प्लीज वेलकम मैडम नमिता दास जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इतने बड़े पैनल में मुझे बुलाने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे सुबह जगाया और ये सुंदर लालिमा किरण दिखलाया और ये कोबरा ट्रेनिंग में मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद 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 हो उस ईश्वर का। आज श्याम सर ने तो बहुत अच्छी बात बताई है। मैं कलकत्ते की रहने वाली हूँ नमिता दास, और मैं पेशेवर मेडिकल लाइन से हूँ और मैं पार्ट टाइम हाईरिस कंपनी में काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है हाईरिस में काम करने से। और हमारे ग्रेट लीडर हमारे अपलाइन है मिस्टर कमलेश्वर सर जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और मैं श्याम सर का इतना बड़ा फैन हूँ कि उनके आवाज उनकी बात सुनने से ही मुझे ऐसे एक फीलिंग्स आती है कि मुझे कुछ कर दिखाने का और साहस आता है और मुझे कुछ करने का इच्छा है, मेरी लगन है, मेरा सपना है, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम है कि लोगों के साथ मैं करूं, लोगों के साथ रहूं और लोगों के साथ अपलाइन हो के डाउनलाइन के साथ हाथ से हाथ मिला के मैं काम करूं। और सर जो जैसे बताते हैं मैं एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। जागो हाईरिच में आप जागो, सोना मत प्यारे जागो, जिसने सोया उसने खोया। जागो हाईरिच में आप जागो, आप लाइन का हाथ पकड़ो और सिस्टम से आप चलो। जागो हाईरिच में आप जागो। यारो हम लोग हर टाइम हर समय हर सिस्टम के साथ हम लोग बताते हैं कि आप मीटिंग में आइए सीखिए। जब तक आप मीटिंग में नहीं आएंगे कुछ नहीं सीखने सकेंगे, क्योंकि अपलाइन आपको अगर पानी में ग्लास में घोल के भी आपको अपलाइन पिला दे फिर भी आप समझ नहीं सकेंगे जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं सीखेंगे। मैं सबको बताती हूँ भाइयों और बहनों, और हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी लीडर हमारे नारी शक्ति हमारे लेडीज जो है, मैं सबको लेडीज को बताती हूँ घर घर हाईरिज हर हर हाईरिज सबको मैं बताती हूँ कि हर जगह जाके आप हाईरिज का झंडा गाड़िए। मेरी तो यही कामना है कि हर देश में हर जगह में जाके मैं हाईरिज का झंडा गाड़ूंगी। मैं यहाँ सिलीम अचीवर हूँ हाईरिज में नमिता दास, और मैं चाहती हूँ ग्रेट अपलाइन हमारे महागुरु राजकुमार सर को नमन करती हूँ, और हमारे महागुरु हमारे भीष्म पिता जो हमारे राम निवास पटेल सर है वो तो मेरे पिताजी है, मैं पिता जैसा सम्मान करती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे वही पिता हैं। थैंक यू सर। घर घर हाईरिस हर हर हाईरिस खोपड़ी खोपड़ी हाईरिस झोपड़ी झोपड़ी हाईरिस। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे स्वरों में आपने हम सब को संदेश दिया है, आप अपनी बुलंद आवाजों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।